अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। तो हम चले गए थे फ्रेशन अप होके द वेरी नेक्स्ट डे टू आगरा ताजमहल। तो हम ऑन आर वे, हम लोगों ने अपना लंच कर लिया था एक ढाबा में, फ्रेशन अप हो गए थे वहीं से भी। खाना ठीक ठीक लगा, इट वॉज बिट एक्सपेंसिव मुझे लगा, बट इट वॉज फाइन। तो वक्त पे कुछ भी खा लेना चाहिए। वेल, हमने अपना लंच वगैरह कर लिया था और पहुँच गए थे ताजमहल। और यहाँ पे ऐसी बगीज हमें पिकअप करती है, बिकॉज़ वरना चल के जाना पड़ता है। तो हमने अपनी टिकट्स ले ली थी और एंट्री भी ले ली। ये देख सकते हैं आप, अपना इंडियन आईडी कार्ड दिखा के हमें टिकट्स लेना है। तो फिर हमारे साथ गाइड भी थे और हम और ये जो थे है कुछ ताजमहल के ओल्ड पिक्चर्स और लेटेस्ट पिक्चर्स। तो फाइनली हम लोगों ने ईस्ट गेट से एंट्री ले ली थी और ये देख सकते हैं आप, एंट्रेंस यहाँ से करते हैं और गाइड ने हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी उनकी याद में बन रहा है। मुमताज की डेथ 1631 में। और आप देख सकते हैं इसका नक्श वगैरह कितना खूबसूरती से, लाइक यू नो, ये लाल मिट्टी से बनवाया गया था। राजस्थान से इसकी मिट्टी मंगवाई थी। एंड फाइनली हमने ताजमहल का नज़ारा देख लिया था और ये आप क्राउड देख सकते हैं। ये डायना पॉइंट है जहां हमने कुछ पिक्चर्स ली और कुछ लाइक यू नो वीडियोस लिए। और हमें ताजमहल की एंट्री आगे जाके लेनी थी, तो हमें ये वाले फुट ग्लव्स पहन के जाना था। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा था, लाइक यू नो आई सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम। We are at the Taj Mahal. तो ये थी यमुना नदी, इसको जमुना यमुना बोध कहते हैं। तो कहते हैं कि ताजमहल का रिफ्लेक्शन इस लेक में, रिवर में पड़ता था, तो बहुत ही अच्छा लगता था। अभी फेंस डाल दिया गया है, सो वी कांट सी द रिफ्लेक्शन एज ऑफ नाउ। तो हम बस एक्सप्लोर कर रहे थे, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी और काफ़ी धूप भी थी एंड इट वाज गुड, बिकॉज अंदर ताजमहल के जहां मुमताज़ की मज़ार हैं, शाहजहां की मज़ार हैं, वहां पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और ये यासीन लिखा गया है कैलीग्राफी ऑन दी ताजमहल। We are super tired. This was the end of the vlog of Taj Mahal. See you all again.